अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज के दिन के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी, औरत का किरदार बहुत अहम है इस दुनिया में, सबके आगे सबके सामने। और औरत जहाँ भी है, जिस मकाम पे भी है, जैसे भी है, अपना बखूबी अपना किरदार जो है वो निभा रही है, चाहे वो माँ है, बेटी है, बहन है, टीचर है, हर प्रोफेशन में। और आजकल तो वैसे भी जो है लेडीज़ अपना जो है हर किस्म का बराबरी के हिसाब से चल रही हैं। जैसे हमारी प्रेसिडेंट भी बनी, हमारी पाकिस्तान की वाहिद एक लेडी थी जो वो प्रेसिडेंट भी बनी। तो लेडीज़ हर जगह पे आगे आ रही हैं और मर्दों के साथ साथ चल के जो है वो बहुत आगे भी बढ़ रही हैं। मेन चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन को अगर आगे बढ़ना है और अपना मकाम बनाना है इस दुनिया में और अपने आप को मनवाना है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, अपनी ज़ात के लिए, कि वो उनकी हकूक़ क्या हैं। दूसरा, तालीम, क्योंकि तालीम ही है वो चीज़ जो आपको आगे बाशऊर बनाती है और आपको जो है सही से अपने हकूक़ का अंदाज़ा दिलाती है। तो सबसे पहले आप अपनी तालीम पे तवज्जो दें, आप तालीम हासिल करें, जो सब बुनियादी हकूक़ है एक औरत का, चाहे किसी भी बच्चे का। तो मेरा सबसे यही एक मैसेज होगा कि खुदारा, अगर आप एक माँ हैं तो अपनी बच्ची की तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि वही आगे एक माशरे में एक माशरे का रहनुमा बनने वाली है। तो तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वुमेंस डे। इस दिन के पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर और कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप वुमेन को इनक्रेज करना शुरू कर दें। जब आप उनको इनक्रेज करेंगे तो वो जहाँ पे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, उससे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो और अगर हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको इनक्रेज करें। थैंक यू सो मच। हमें बतौर माँ ना, जब हम बच्चों की परवरिश करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड नहीं रखने चाहिए। लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए। तालीम हो, अखलाक हो, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, कोई भी चीज़ है, क्योंकि बुनियाद हम बनाते हैं बच्चों की। बच्चियों में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, वो आगे ज़िंदगी में मार खाती है। तो हमें उन्हें मजबूत औरत बनाना चाहिए और ये हम औरतों की जिम्मेदारी है। हम इंटरनेशनली वुमेन डे के मौके पर मैं कहना चाहूँगी कि जो वुमेन्स हैं, जो अपनी जो जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, उसको मैं सलाम पेश करती हूँ। हमारे मुल्क में उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा लॉ बनने की ज़रूरत है और उसे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी कि ख़वातीन के राइट्स क्या हैं और वो उसको समझ नहीं सकेंगी, तो उनको अपने राइट्स का जब तक पता नहीं होगा वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने हकूक हासिल करने के लिए हकूक का पता होना ज़रूरी है। आइडिया है कि मेरा जिसम, मेरी बॉडी, इट फील्स लाइक एन इंसल्ट फॉर मी, कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या ख्याल आते हैं, कौन इसको सपोर्ट करें, कौन नहीं सपोर्ट करें। ये स्लोगन उस कंडीशन में अच्छा लगता है कि जिन लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, या बदनामी के डर से उनको जो है मार दिया जाता है, जैसे हमारे सिंध में कारोबारी का सिस्टम है। उस मोटिवेशन में पॉजिटिवली अगर आप इस चीज़ को लेके चलें तो ये अच्छा लगता है कि ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है। बट अगर आप उसको ओवरऑल आप हर चीज़ पे थोपते रहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं क्या पहनती हूँ, मैं कैसे बैठती हूँ, आई थिंक ये चीज़ हम एज अ लेडीज़, बींग मुस्लिम, बींग पाकिस्तानी, हम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मेरे जो लीडर हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनका विजन भी यही है कि खवातीन जो औरत ही है जिसने टीपू सुल्तान पैदा किए, इकबाल पैदा किए, कायद आजम जैसे रहनुमा पैदा किए। सो हैप्पी टू हियर इट फ्रॉम यू। आई एम सो हैप्पी दैट वुमेन, यू नो, इट्स एवरी डे द वुमेन डे, एवरी डे द वुमेन डे।